सबसे पहला पॉइंट है फोकस करना है अपने सिलेबस पे। क्यों तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब से यूपीआर वेनल का एग्ज़ाम है कई बच्चों ने अपने डायरेक्शन ही बदलनी शुरू कर दी है। वो अभी तक एनएचपीसी के अकॉर्डिंग जो एसएससी जेई का सिलेबस लोग फॉलो कर रहे थे उससे डेविएट होकर वो कैट कैम में घुसने लगे अननेसेसरी। अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारा सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब होता है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं और डेली बेसिस पे आप उन्हें रिवाइज़ कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचती है और सिर्फ रिवीजन का काम बचता है, तो जाके आप कैट कैम पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पहला प्रायोरिटी बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो नहीं पढ़ रहे हो और बिना बात के इस चक्कर में पढ़ रहे हो कि हाँ हो सकता है कैट कैम से क्वेश्चन आ जाए, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी का काम है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर यूपीआर विनल में भी अगर इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरिट 80% पे जाने वाली थी वो 70 पे जाएगी, क्योंकि वो वाले पोर्शन सबके लिए सेम था। आप कोई अलग स्टूडेंट तो थे नहीं, या किसी और के लिए पेपर में आया हो, या आपके पेपर में आया हो, दूसरे के में नहीं आया, सबके में आया है। तो आप उस चीज़ को छोड़िए, आप अपना फोकस जो अगर एनएचपीसी पे है तो उसे एनएचपीसी पे ही रखिए। दूसरे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है उसका इम्पैक्ट अपने इस पेपर में मत आने दीजिए। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो डेफ़िनेटली आप उस पोर्शन को कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप अपना सिलेबस छोड़ के आधा अधूरा अननेसेसरी के पोर्शन में इन्वॉल्व हों। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। सेकेंड है कि आपको नॉन टेक्निकल पार्ट इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आप नॉन टेक्निकल के 60 मार्क्स में 50 मार्क्स वहाँ पे गेन नहीं करके आते, क्योंकि 50 तो मैं तब भी कम बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है 30 में से 28 मार्क्स आप रीजनिंग में लोगे और आप 30 में से मैं 22 मार्क्स आपको वहाँ लेने के लिए बोल रहा हूँ, जबकि अगर नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया तो 22 बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ कि 50 नंबर आप वहाँ सिक्योर करो और 140 में से 110 का टारगेट लेके चलो। आप कितने भी अच्छे हों टेक्निकल में, गलतियाँ होनी हैं, 10 क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आने, 20 क्वेश्चन आप गलत कर ही दोगे, तो 100 से 110 के बीच में आपको नंबर लाने ही लाने हैं। तो 150 नंबर से कम आज के टाइम में कहीं भी कट ऑफ नहीं जा रही। मैकेनिकल को तो 75% पे सिलेक्शन मिल पाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट आपको करना ही है सिलेक्शन के लिए। आप 120 इसमें भी ले आओगे तब भी आपको सिलेक्शन के लिए वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जितना ज़्यादा हो सके नॉन टेक्निकल को भी टाइम दो, क्योंकि पेपर थ्रू आउट सारी चीज़ों की प्रैक्टिस से ही निकलेगा, ठीक है। एक पोर्शन अगर आपका वीक है तो ऐसा नहीं है आप रेस जीत जाओगे, इम्पॉसिबल है। बिना टेक्निकल के और बिना नॉन टेक को साथ लिए आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं आपके अपने बनाए हुए होने चाहिए, दूसरे के शॉर्ट नोट्स आप नहीं समझ पाओगे। उसने अपनी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसने अपनी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है कि भाई क्या चीज़ मुझे मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। हो सकता है उसने ऐड नहीं करी हो शॉर्ट नोट्स में, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके लिए टफ हो और आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो अपने शॉर्ट नोट्स में रिविज़न के लिए। तो दूसरे के नोट्स को आप एज अ बेस मान के नहीं कर सकते हो कि हाँ यही करने हैं, आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसे आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको बनाना खुद ही पड़ेगा। आपके अपने हाथों से अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो मैं बता रहा हूँ आज नहीं कल बनाने पड़ेंगे, बिना बनाए तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। अपने नोट्स से ही पढ़ाई करके आपको सिलेक्शन होना है आपका, आप चाहे रेफरेंस कितनी भी ले लो लेकिन नोट्स आपको अपने ही बनाने पड़ेंगे। आज नहीं, एक साल बाद बनाओगे, एक साल बाद नहीं बनाओगे, दो साल बाद बनाओगे, ठीक है, जब तक खुद नहीं बनाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रिंट आउट निकाल लेने से, इन लेने से, ये सब कर लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, जो लोग सिलेक्शन के आसपास जा रहे हैं उनके नोट्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल होते हैं, चाहे वो रेफरेंस 50 जगह से ले लें लेकिन नोट्स हमेशा अपना पर्सनल ही बनाते हैं। तो आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने ही हैं, फोटोकॉपी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। फोटोकॉपी आप नॉन टेक पोर्शन की ले सकते हैं, लेकिन उससे भी ऐसा है कि उसमें जो भी चीज़ आपको अपने काम की लग रही है उसमें ऐड ऑन करते रहो। टेक्निकल आपको हमेशा साथ देगा, टेक्निकल के नोट्स आपके अपने पर्सनल होने चाहिए अपनी हैंड रिटन राइटिंग में, और किस तरीके से आपको वो सब बनाने हैं आप ये दूसरे से एज अ रेफरेंस ले सकते हो बस। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। अगर आज का पढ़ा हुआ आप कल रिवाइज नहीं कर रहे हो सुबह उठ के, या दिन का जब पहला आप अपना पहली सेटिंग लगा रहे हो उस टाइम आप बैक डेट का रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो मानिए आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। बार बार मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। ये बहुत बोरिंग काम है, ठीक है, लेकिन यही है, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल लगता है।
जितनी बार जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। सपोज़ आपने आज सोम ख़त्म कर दी, राइट, आप एक हफ्ते से मान लो सपोज सोम पढ़ रहे थे, आप थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करोगे, सोम आपने रिवाइज नहीं करी, गोल हो जाएगी, या थर्मो तैयार सोम गोल। जो बच्चा 14 दिन में, मैं कह रहा हूँ उसका एक ही सब्जेक्ट हो रहा है सपोज़, लेकिन वो उससे लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो गया है, क्योंकि वो अगर 14 दिन में उसका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके रिवीजन भी 13 बार हो चुका है। तो आपको रिवीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जर्नी जो है आपकी मैराथन है। अगर आप सोचते हो 3 साल की आपकी डिप्लोमा है या 4 साल की आपकी डिग्री है, आप 2 महीने में पढ़ोगे और निकाल लोगे, पॉसिबल नहीं है। लेवल ऑफ स्टडी ड्यूरिंग योर कॉलेज सबको पता है क्या होती है, कितनी आपको नॉलेज है। जब से आपकी एजुकेशन डिजिटल हुई है कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग फ्री में जो बहुत पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा MEDG चला गया, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला गया, उसके पास नोट्स अवेलेबल होते थे, ठीक है, वहाँ उनका अपर हैंड होता था। आज के टाइम में YouTube पे हर चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में बच्चा IAS तक की तैयारी कर रहा है अगर उसे सही डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि कंपटीशन कम हुआ, कंपटीशन का लेवल एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया है। तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि रिवीजन से बच के आप कहीं भी अपनी जगह बना पाएंगे सिलेक्शन में, इम्पॉसिबल है। रिवीजन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आपने जो चीज़ अभी पढ़ी है, मान लो आपने 3 घंटे की शिफ्ट लगाई, 15 मिनट अपने बचा के रखो, 15 से 20 मिनट उन जो जो इतनी देर में पढ़ा है उसे रिवीजन करने के लिए तुरंत के तुरंत। 3 घंटे का आपने लेक्चर सपोज कोई पढ़ा है तो 15 मिनट उसे तुरंत दीजिए, उसे एक बार गो थ्रू चले जाओ। 15 मिनट लगते हैं लेकिन वो आपके माइंड में दोबारा सब कुछ छप जाएगा। अगले दिन जब पढ़ाई करो तो जो एक दिन पहले पढ़ा है सबसे पहले उसे कवर करो। जब दूसरे दिन तीसरे दिन आप पढ़ाई करो तो बैक डेट का फर्स्ट डे से जब आपने पढ़ाई करी है उसको करो। ये सब कब होगा? जब आप अपने नोट्स बनाओगे, पर्टिकुलर नोट्स के ऊपर डे लिखोगे, day 1, day 2, day 3, day 4। कभी भी लेट नहीं होता है। अगर आपकी जहाँ भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से स्टार्ट करो, जो पोर्शन कर रहे हो रिवीजन स्ट्रेटेजी वहीं से बनानी शुरू करो। लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, रिवीजन मस्ट है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और 5वीं सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। करते भी हैं तो क्या किया, क्या थर्मो पढ़ी, चलो थर्मो का क्वेश्चन करो, मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ 20 MCQ करो, ठीक है। 20 MCQ करने में कितनी देर लगती है? SSC JE लेवल के 20 MCQ कितनी देर? कुछ टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट के 20 MCQ सीक्वेंस वाइज उठाना शुरू करो। कोई भी बुक आप जो भी बुक आप फॉलो करते हो, आप 1 से लेके हर उसके 20 क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दो, चाहे सब्जेक्ट आपने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, आंसर देखो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें आगे बढ़ते जाओ और इसी प्रोसेस को चलाते रहो। आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रट जाएंगे। तो कोई सब्जेक्ट आपने नहीं भी पढ़ा, आपको टाइम नहीं मिला एग्ज़ाम से पहले पढ़ने का, पर आपने उसे के MCQ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप वहाँ पर ऑप्शन देख के टिक मारने के लिए काबिल बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं एट टाइम्स, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का माहौल मिल जाता है कि हाँ, आप क्वेश्चन देख के घबरा नहीं रहे होते हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन 5 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। ये बात NHPC की नहीं है, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। अगर आप इस तरीके से अपने माइंडसेट को रखेंगे तो सिलेक्शन बचेगा नहीं, आप कभी ना कभी सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।